जय श्री राम। मैं आयुष सिंह बेस्ट आज मैं सबसे हाईलाइटेड मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है 100 रुपए का पेट्रोल। जी हाँ, लोगों का कहना है कि 100 रुपए का पेट्रोल देखा पहली बार। देश की जनता को बोलना चाहती हूँ कि बहुत कुछ आपने देखा पहली बार, लेकिन आप बताने में उसको संकोच करते हो। लेकिन अगर आप बताने में संकोच करते हो तो मैं बेड़ा उठाती हूँ इस चीज का और जनता को बताती हूँ कि क्या क्या देखा आपने पहली बार, और देखने की आदत भी डालो। मैं देश की जनता को बोलना चाहती हूँ जिनका कहना है कि पहली बार देखा 100 रुपए का पेट्रोल, तो जनता को बताना चाहती हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा चाइना को पीछे भागते हुए, पहली बार देखा 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए, पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा दुनिया को भारत से वैक्सीन मांगते हुए, पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा आपने किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए जाते हुए, पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा आपने गरीबों को फ्री राशन और पैसे और फ्री का सिलेंडर, पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, भाई साहब पहली बार देखा होगा आपने भारत का डंका विदेश में बसते हुए, पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखोगे आत्मनिर्भर भारत को और आदत डालो। और देश की जनता से बोलना चाहती हूँ जिनको 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितना पेट्रोल भरवाओगे? 3 से 4 बार। आपके अगर 10 से 20 रुपए भी, अगर महीने में 40 से 50 रुपए भी ज्यादा अगर नहीं खर्च करने का दम रखते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि देश का जवान आपके लिए और देश के लिए सरहद में बैठकर गोली खाए और किसी का बेटा शहीद हो जाए? जब आपकी सोच इतनी है 50 रुपए को गांठ बांधने की, तो दूसरे के बच्चे की जिंदगी क्यों दांव पे लगवाते हो 100 रुपए का पेट्रोल देखते हो? मैं देश की जनता से बोलना चाहती हूँ, अगर आप में तड़ नहीं है एक महीने में देश के लिए या देश की सुरक्षा के लिए 50 रुपए ज्यादा भरने के लिए, तो अपनी गाड़ियों में आग लगा दो, क्योंकि आपकी सोच पर यह है कभी भारत की स्थिति डामाडोल होगी। आप तो कहोगे भाई मुझे 100 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे तो 40-50 रुपए चाहिए, अगर इतना बनता है तो ठीक है वरना देश को बेच दो, लेकिन मेरा पेट्रोल कम में होना चाहिए। आपकी सोच ऐसी है तो भाई साहब अपनी सोच अपने पास रखो, 100 रुपए का पेट्रोल मंजूर है लेकिन देश को बिकता देखना मंजूर नहीं है, और देश का स्वाभिमान उठता देखना मंजूर है और देखेंगे। और 100 रुपए का पेट्रोल पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा, अगर उस समय भी आवाज उठा दी होती तो आज देश के हालात, अपने लिए कभी आवाज उठा दी होती तो आज आपका धर्म खतरे में ना होता और देश खतरे में। आपने कभी सोचा कि कोरोना काल में जब देश में महामारी चल रही है, देश का प्रधानमंत्री देश के लिए, देश के लोगों के लिए और सेना को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए रफेल ला रहा, लेकिन आपको तो 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है, रफेल की कीमत किसी को नहीं दिखती, किसी ने नहीं बोला कि महामारी चल रही है, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, लेकिन फिर भी रफेल आ रहा है। बोलना चाहती हूँ, अगर इतने सवाल आपने पहले पूछे होते तो आज देश की स्थिति क्या होती या आपके सामने होता, लेकिन आपको तो 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है। वो हैदराबाद का ओवैसी कहता है कि बाबरी कभी मरी नहीं, हम तो बाबरी लेके रहेंगे, बाबरी जिंदा है सबके दिलों में और सामने भी, लेकिन तुम 100 रुपए में अटके रहना, तुम पेट्रोल की बात करना। ये जो राम मंदिर भी कोरोना काल में मिला है इसके ऊपर भी खतरा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता, तुम्हें तो 100 रुपए का पेट्रोल के बारे में बात करोगे ना। वो फैक्ट्स पे लड़ते हैं, वो पैसे पे नहीं, वो चीजों पर, कि हम जाए हमारे बाद भी लोग लड़ते रहे इसके लिए और देखते रहे, इतिहास पढ़ते रहे और देश में कब्जा जमाए। तुम कहते हो 100 रुपए के पेट्रोल की बात करो, टमाटर प्याज की बात करो, इतिहास रहे ना रहे, धर्म रहे ना रहे, देश रहे ना रहे, हमारे बाद कोई सीख पाए ना पाए, दूसरा कब्जा कर ले, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन देश में पहली बार 100 रुपए पेट्रोल को आसमान छूते पहली बार देखा, आत्मनिर्भर भारत भी पहली बार देखोगे और बहुत कुछ निश्चित रूप से पहली बार देखोगे। और जागो 100 करोड़ हिंदू, अरे जागो 100 करोड़ हिंदुओं, देश में हिंदू राष्ट्र भी पहली बार देखोगे। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।